हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के लिए एक यूनिक रायते की रेसिपी लेके आई हूँ। रायते का नाम है शिमला मिर्च का रायता। तो बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सभी सामान इसमें लगेंगे। मैंने मिर्च को पतली पतली काट ली है। अब मैं इसको कढ़ाई में थोड़ी सी भून लूँगी जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। तो गैस की तरफ चलें। मैंने गैस ऑन कर रखा है, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच तेल डालूँगी। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ी हींग डालूँगी। हींग को मिला लेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी जीरा डालूंगी, दो लाल मिर्च। जीरे से खुशबू आने लगी। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी। इसको 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे जिससे कि थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसका जो कच्चापन है वो टेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं इसमें 1/4 नमक डालूंगी। नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए। इसको मैं कवर कर दूंगी। उधर शिमला मिर्च तैयार हो रहा है, इधर मैं दही को तैयार कर ले रही हूँ। दही अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें जीरा, काला नमक, लाल मिर्च मिक्स कर लेंगे। दही तैयार हो गया। रायता थोड़ा चटपटा ही अच्छा लगता है। चलिए अब शिमला मिर्च को चेक करते हैं। 10 मिनट हो गए, अब मैं शिमला मिर्च चेक करती हूँ। देखिए तैयार हो गया है। मैं दिखा रही हूँ, ये गल गया है। ऐसे ही होना चाहिए, गल जाना चाहिए। चलिए ये तैयार हो गया है। अब मैं इसे दही में डालूंगी। गैस को ऑफ करती हूँ। चलिए अब मैं शिमला मिर्च को दही में डालती हूँ। अब मैं इसको मिला दूंगी। देखिए शिमला मिर्च का रायता बनके तैयार है। रायता बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनी है। आप लोग भी ट्राई कीजिए और टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।